बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे ना, यानी लोगों ने ट्रस्ट किया आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके मशहूर हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी आपने डिलीवरी की है उससे। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस। चले जी, ये जिम्सी है जी, ठीक है, जिम्सी के साथ सिरुबा भी है। अच्छा, सिरुबा भी है, ठीक है। अगर ग्रे मॉडल लेंगे तो आपको 555 मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, अलग ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। अच्छा, मेरे पास मैरी भी है, क्यू चेयरिंग भी है, क्राउन भी है, अलग अलग हिसाब से स्टीम प्रेस भी है। अच्छा, स्टीम प्रेस इस्त्री जो होती है ये आपको, ये है, ये जापान है, ये जापानीज है, चाइनीज है। अच्छा, ये चाइनीज मशीन है, व्हाइट है, इसमें अलग अलग है, देखे इसमें फर्क है, ठीक है। ये मॉडल कौन कौन से? ये L52 है, L52 ये तो जापानी है ना, जापानी है। अच्छा, ये 747 है, चाइना है, ठीक है, 747 लिखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, ये नया है मार्केट में ना, ये पहले भीड़ वाला आता था, ये भीड़ वाला आता था, अब ये इसमें ये चादर वाला आया है ना। अच्छा, ये आम लोकल जो सिलाई मशीन का होता है, तो ये वही है कि जो घर पर जो जिनके लाइटों का इश्यू होता है। यार वैसे ये बड़ा जबरदस्त है यार, बेहतरीन निकाला ये भी, ये एक बस कुछ ही महीनों हुए जो लॉन्च हुआ ये। छोटी सिलाई दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं यार, क्या हो गया यार? हम पीछे जा रहे हैं ना, बैक की तरफ जा रहे हैं। अब ये बताओ, ये 1965 की चीजें याद हो रही है भाई फिर से। वाह भाई वाह, ये देखे नाज़रीन, बिजली हो नहीं हो आपका काम नहीं रुकना है, आपने कमाना है। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम दानिश भाई, क्या हाल है, कैसे तबीयत है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असद, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जो पिछली वीडियो है उसका क्या रिस्पांस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह दानिश भाई, अभी 10 मिलियन या 10 से ऊपर चले गई है, 10,000 से ऊपर गए व्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उसके कॉस्टली जो कहते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे ना, यानी लोगों ने ट्रस्ट किया आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके मशहूर हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी आपने डिलीवरी की है उससे। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस। चले जी, आज हमारे नाज़रीन को आप क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं सिलाई मशीन के बारे में? जो की है अलग अलग वरायटी है, जिनसे सरूपा, ये सारा कुछ वरायटी इसमें आई हुई है, तो दिखाएं आप इसको। ये जिम्सी है जी, ठीक है, जिम्सी के साथ सिरुबा भी है। अच्छा, सिरुबा भी है, ठीक है। अगर ग्रे मॉडल लेंगे तो आपको 555 मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, अलग ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। अच्छा, तो इसके प्राइस क्या कोट कर रहे हैं आप? इसके ये है कि अभी ये जो चला रहे हैं हम लोग मार्केट रेट के हिसाब से जो चल रहा है, देखिए आगे पीछे तो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद ये है कि 22,000 रुपए चला रहे हैं इसके ना हम लोग। 22,000 जी, ये खाली हेड की आप बात कर रहे हैं? हेड के। अच्छा, कोई अगर कंप्लीट लेना चाहता है, देखिए उसमें मोटर के हिसाब से वो तख्ता पायदान मिला हम लोग 38,000, 40, 42 ऐसे तक के रेट, वो कंडीशन के ऊपर है ना, हेड की कंडीशन। बिल्कुल कंडीशन और मोटर के हिसाब से भी दी जाती है। ठीक, तो ये जो तख्ता पायदान आप देते हैं ये न्यू देते हैं ना? बिल्कुल न्यू होता है, तख्ता मोटर पायदान सारा नया होता है। अच्छा, अगर कस्टमर यूज पे लेता है तो उसको कह के बोलते हैं यार ये इस तरह है। अच्छा, ऐसे नहीं बेचते हम लोग। ठीक, अच्छा इसमें ये दूसरा भी मॉडल है, ये भी है, 555 भी है, 555 ही है, इसके भी वही रेट है। ठीक, अच्छा सिरुबा और जिम्सी के आपने रेट नहीं बताया जरा सा, ये भी है, ये भी आपको पड़ेगी 24,000 रुपए की पड़ेगी, ये 24,000 बाहर भी पड़े में। अच्छा, ये पहले आप इसको क्लियर करें ना कि अगर कोई आपसे ये लेना चाहता है सर्वो मोटर के साथ तो क्या रेट है, और खाली हेड लेना चाहता है तो क्या? आपको बताता हूँ, 40,000 और 42,000 रुपए ऐसे तक की कंडीशन, मैंने आपको पहले बताया है, उसके लिहाज से हम लोग 40 का हो गया, 38 का हो गया, ऐसे तक के लमसम में जो होता है ना, जो बात बन जाती है बीच की, उसमें सेल कर देते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा ये सिर्फ बताएं आपके, इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके पास सिर्फ सर्वो मोटर, अगर कोई आपको ऑर्डर करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो आपके पास क्या क्या है? मेरे पास मैरी भी है, क्यू चेयरिंग भी है, क्राउन भी है, अलग अलग हिसाब से स्टीम प्रेस भी है। अच्छा, स्टीम प्रेस इस्त्री जो होती है, आयरन। अच्छा, आयरन भी है आपके पास? मेरे पास वो भी है, इसके अलावा अच्छा। बैक क्लोजर भी मिल जाएंगे आपको, बुरी सीने वाली जो होती है। अच्छा, वो भी है जी, वो भी होती है। तो इसके प्राइस तो जरा कोट कर दे, प्राइस ये होगी, ये आपको पड़ेगी क्यू चेयरिंग प्लास्टिक पैनल आपको पड़ेगी 11,500 रुपए की, 11,500 जी, 11,500 रुपए की। मैरी जो पड़ेगी ये भी आपको कॉस्टली ऐसे ही पड़ेगी, 200-300 रुपए ऊपर नीचे होते हैं इनके भी। अच्छा अच्छा, बस इसके अलावा स्टीम प्रेस है 10,500 रुपए की, 10,500 रुपए की, यार बहुत जबरदस्त दे रहे हो यार। अच्छा, अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाय करना चाहता है या आपकी शॉप पे आना चाहता है तो अपनी लोकेशन, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे। बिल्कुल, कॉन्टेक्ट नंबर है वही 0300-266-0696 है, और जो कॉन्टेक्ट है ये है कि जुबली चौरंगी, नियर जुबली चौरंगी जी, जुबली सेंटर मॉल का नाम है ना ये जी, और उसके बाद G14 शॉप नंबर है मेरी,
G14 हाँ G14 शॉप अच्छा, है ऑल ओवर पाकिस्तान आप डिलीवरी दे रहे हैं? बिल्कुल ये मेरे कार्टन रखे हुए कार्टन अच्छा। है थर्मापोल है ये बिल्कुल पैक पैक करके बिल्कुल ना बिल्कुल सेफली होता है थर्मापोल साइडों में रखता हूँ आराम से ना बिल्कुल सेफली होता है। अच्छा असद मैं देख रहा हूँ आपके पास कुछ ये स्टैंड वगैरह भी पड़े हुए हैं टेबल स्टैंड जी 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 टेबल अगर कुछ सिर्फ ये लेना चाहता है तो कितने के देंगे आपको? देखिए इसमें ये है कि छोटा पायदान तख्ते के साथ लेंगे तो आपको 3500 रुपए का पड़ेगा 3500 वाला है एक 3800 वाला है कम्प्लीट यानी कि तख्ता और पायदान छोटी सिलाई मशीन का ठीक है। इसी में अगर जोकी का लेंगे ये आपको जोकी का पड़े हुए ये नए तख्ते नए स्टैंड जिसका मैंने आपने दिखाया ऊपर वो आपको पड़ेगा तकरीबन 4500 रुपए के इसमें 4500 रुपए इससे ऊपर के भी हैं तख्ते के हिसाब से हम चले जाते हैं फिर वो रेट थोड़ा ना ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा इसके अलावा ये मैं देख रहा हूँ ब्रदर के भी माशाल्लाह से आपके पास कुछ हेड पड़े हुए ब्रदर है और ये स्टील प्लेट है इस तरह अच्छा। दूसरी प्लेट ये भी पड़ी है इसके वन बाय वन प्राइस को कोट कर दें ये आपको तीनों ही 24000 रुपए की पड़ेगी तीनों 24000 के हेड है ये। अच्छा इसके अलावा अगर कंप्लीट सेट कोई लेना चाहता है लेंगे देखें ये थोड़ी सी वैसी है हैवी भी होती है ना इसमें ब्रदर हो गई है तो ये आपको पड़ेगी तकरीबन कंप्लीट के 40000 रुपए पड़ेगा यार कंप्लीट के 40000 रुपए। अच्छा वैसे असद आप एज अ मैकेनिक भी हैं इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ऑडियंस को कौन सी सिलाई मशीन रेकमेंड करेंगे जो कमर्शियल यूज पे हाई स्पीड में ले जाएं तो हाई स्पीड में ये है कि पहली बात तो मैं ये करता हूँ देखो आपकी कुव्वत खरीद क्या है अच्छा कस्टमर की ठीक है इसमें ये होती है कुव्वत खरीद के हिसाब से होती है देखिए सिलाई तो सिलाई करनी होती है सिलाई बिल्कुल ठीक है कोई सी भी मशीन ले लें छोटी ले लें बड़ी ले लें उसमें कुव्वत खरीद जाना सबसे पहले जेब इजाजत देती है तो फिर वो बात आती है बिल्कुल इसमें ये है कि ब्रदर भी होती है सख्त जान है ब्रदर भी जिस तरह ये हम लोगों का नाम है ये 555 अच्छा ये 555 ये वाली मशीन इसके ज्यादा वो होती है ना ज्यादातर कस्टमर इसको लाइक करता है ज्यादा डिमांड है हाँ ज्यादा डिमांड ये है फिर वैसे लेने तो चाइना में ये आगे 8500 होती है 8700 होती है 8900 होती है फिर इसके बाद ये होती है ब्रदर अच्छा ये ब्रदर की ब्रदर होती है ब्रदर का थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव टाइप पार्ट्स का ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छा एक्सपेंसिव है कभी कभी कभार जो है कोई चीज के लेकिन लाइक जो करते हैं 555 लोग ज्यादा लाइक 555 को करते हैं ज्यादा यानी कि यार हमारी ऑडियंस को तो बड़ी सहूलत है कि अगर आप तो मशीन लेते हैं तो रिपेयरिंग का तो मसला उनका तो हल समझो यार बिल्कुल 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 यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं 555 सिलाई का ओवरलॉक का क्रोएशिया मशीन छोटी सिलाई मशीन रिपेयरिंग यहाँ पर होती है सब रिपेयरिंग आप करते हैं बिल्कुल होती है। अच्छा ये जो मशीन है आपने दिखाई है इसकी गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि साल भर की गारंटी होती है सर्विस की ना जी जी ये बात ये होता है पार्ट्स देखे पार्ट्स देना होता है साल भर की गारंटी देते हैं कोई मसला हो कराची का कोई हो तो उसका ये होता है मैं खुद जाके देख लेता हूँ जी उसमें ठीक है जो करीब के होते हैं जब कराची के अंदर इनर बिल्कुल बिल्कुल उसको खुद हम लोग खुद देख लेते हैं मैं खुद जवाबदेह होता हूँ उसका मसला परेशानी मैं खुद बैठा हूँ। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कुछ ओवरलॉक की भी मशीन है आपकी को ओवरलॉक की तो ये भी बताया आप हमारे नाज़रीन को ये आपको ये है ये जापान है ये जापानी है चाइनीज है अच्छा ये चाइनीज मशीन है वाइट है इसमें अलग अलग है देखे इसमें फर्क है ठीक ये मॉडल कौन कौन से ये L52 है L52 ये तो जापानी है जापानी है अच्छा ये 747 है चाइना है ठीक है 747 लिखा हुआ होता है यहाँ पे अच्छा ठीक है वैसे ये ओरिजिनल मशीन है ना जी जी ओरिजिनल तो इसके क्या आपने प्राइस रखे हैं L52 के L52 के देखें ये 60000 रुपए की L52 60000 रुपए ये कंप्लीट सेटअप की बात कर रहे हैं नया तख्ता मोटा पायदान फिटिंग मेरी सारी नई होगी कोई से भी मशीन ले लिया उसमें फिटिंग नहीं होगी मेरी न्यू होगी पुराने का करता नहीं है झंझट बहुत होती है उसमें तो इस तरह ये है चाइना है चाइना आपको 40000 रुपए की पड़ेगी 40000 कंप्लीट कंप्लीट पड़ेगी अगर देखे अच्छा मैं इसको ये बता अगर इम्बोस हुई तो उससे ज्यादा कॉस्टली होती है क्या मतलब तो एक इम्बोस होती है एक सादी होती है अच्छा ठीक है मैं इसके बताऊं क्योंकि अक्सर कस्टमर ना थोड़ा बहुत वो हो जाता है तो इम्बोस लेंगे तो वो पड़ेगी 45 तक की 44-45 ना ऐसे तक की उसमें ये होता है कि देखे चाइना दोनों काम तो वही होता है लेकिन लोगों के ना फतूर है जैन का तो बस उस लिहाज से वो घूमते रहते हैं वो फिर जैन में ना जो ये अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया क्लियर तो फर्क क्या है बोलो फर्क कुछ भी नहीं है चाइना अच्छा बस संभल गड़ा हुआ होता है तो लोग बनाते हैं कि हाँ यार ताइवान है ये है अपना काम ऐसा नहीं है दानिश भाई जो है ये अच्छी बात है जो भी है अच्छी बात है ऐसी नेक नियति से काम करे ईमानदारी से इंशाल्लाह बहुत तरक्की देगा। अच्छा ये अगर कोई आपसे सिर्फ और सिर्फ हेड लेना चाहता है L52 जापानीज
तो आप कितने के दे देंगे? देखिए ये अगर लेंगे आप अच्छा हेड आपको 45,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा हेड जी, बेहतरीन है, रात दिन चलने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। बाकी उसकी लक है, देखिए एक लक भी काम होता है, ये बात तो है। लेकिन इसके अलावा ये आपको पड़ेगा 45,000 रुपए का। और ये अगर कोई लेना चाहता है आपको पड़ेगा 25,000 रुपए। 25,000 अच्छा, अगर कोई जैसे दरमियानी कंडीशन में अगर कोई चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल हो जाता है। उसमें ये है कि देखे इसमें थोड़े लोकल इंक्लूड हो जाती है हेड ना, एक इंपोर्ट होता है एक लोकल होता है। लोकल में ये होता है कि फिर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो भी चलता है, लोकल भी हमारा वो भी चलता है, क्योंकि मैं खुद सेट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और के हाथ दे दिया, ये होते नहीं, जब तक मेरे ठिए से नहीं उतरती शॉपर नहीं चढ़ती मैं सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा हाँ, आप तो खुद मैकेनिक है ना यार, खुद चेक करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कुछ पाकिस्तानी मशीनें भी है, इसके बारे में भी हमारे नाज़िम बता दें। सेटअप ना पूरा इसका, छोटी सिलाई मशीन का भी अलग अलग है, इसमें सिंगर है, मास्टर है, मिराज है, अच्छा सिटी विंग भी अलग अलग है इसमें ना रेट। तो थोड़ा सा रेट कोट कर देंगे। देखिए इसमें ये भी शुरू से भी होती है ना, मेरे पास तो 10,500 से शुरू है। अच्छा 10,500 से शुरू है, फिर इसके बाद मेरे पास आखिरी जो पड़ी हुई है वो सिंगर है 12,500 रुपए की। 12,500 रुपए जी जी, अलग अलग है। सिंगर में भी अलग अलग वैरायटियां आती है, मतलब सलीका वगैरह कोई आपसे लेना चाहता है 14,000 रुपए की तली जाती है उसमें भी। अच्छा अच्छा जी, सिंगर सलीका जो होती है इसमें भी कंडीशनें आती हैं, वो भी आपको अगर ले तो 14,500-15,000 रुपए की पड़ती है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा इसके अलावा यार ये देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप बताएं, ये नया है मार्केट में ना। हाँ ये पहले भीड़ वाला आता था। हाँ ये भीड़ वाला आता था, अब ये इसमें ये चादर वाला आया है ना। अच्छा। ये आम लोकल जो सिलाई मशीन का होता है, तो ये वही है कि जो घर पे जो जिनके लाइटों का इश्यू होता है यार। वैसे ये बड़ा जबरदस्त है यार, बेहतरीन निकाला ये भी। ये एक बस कुछ ही महीनों हुए जो लॉन्च हुआ ये। अच्छा। भी इस मार्केट, तो ये इसमें हम कौन सी मशीन चला सकते हैं? छोटी सिलाई मशीन होती है, छोटी सिलाई मशीन ये लगी है ना, ये छोटी सिलाई मशीन रखते हैं इसके ऊपर यार। इसमें तो ना तो सोलर की जरूरत है, नहीं नहीं ये ना इलेक्ट्रिसिटी की है, ऐसा ही है बिल्कुल। ये ऐसे पूरा बन जाता है, ठीक है। वाह यार, छोटी सिलाई दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं यार, क्या हो गया यार, हम पीछे जा रहे हैं ना, बैक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब ये बताओ ये 1965 की चीजें याद हो रही है भाई फिर से। वाह भाई वाह, बल्कि 1802 में मेरे ख्याल से ये, वही तो वही तो बोल रहे हैं, ये हम पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रहे हैं, बैक मार रहे हैं। बताओ यार क्या खूब तरक्की कर रहा है हमारा पाकिस्तान यार, जबरदस्त। लेकिन यार लोग चलो ये भी जुगाड़ लेकर आए हैं, इससे कम से कम यार जिनके यहाँ लोड शेडिंग का मसला है या सोलर वोलर नहीं है तो अपने प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, रोजगार कमाने के लिए बेहतरीन चीज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जाहिर सी बात है कोई भी चीज जाया नहीं होती, जाती ही है। भले पुराने दौर के हैं लेकिन आप तो लेटेस्ट तरीके से डिजाइन किया, लेटेस्ट तरीके से। देखे नाजरीन, बिजली हो नहीं हो आपका काम नहीं रुकना है, आपने कमाना है बस। ये भाई जबरदस्त, जिसने भी ये इजाद किया है भाई के कितने अरसे तक चल जाते हैं। देखें बात ये है कि खामी क्या है इसके अंदर, खामी ज्यादा नहीं, सिर्फ फिटमेंट का इशू आता है इसमें ज्यादा, और कोई वो नहीं आता। फिटमेंट इसका ये होता है कि आपको मिल भी जाएगा पार्ट्स। अच्छा, जाहिर सी बात है ये अभी बन रहे हैं तो इसके पार्ट्स भी बन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो वो पहले वाले जो आते थे लोहे वाले फुल आयरन, वो भीड़ वाले वाला चीज़, वो अगर कोई आपसे लेना चाहे वो अवेलेबल है, कितने तक का मिल जाता है? तकरीबन मिलेगा, तकरीबन 8-9 तक का एसएम तक का मिलेगा, 8-9 तक का। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, वो कॉस्टली है लेकिन चलने वाली चीज है भाई, अलग चीज है ना। अच्छा इसके बता दे, अगर कोई आपसे ऑनलाइन मंगवाना चाहता है इसके तो ढेर लग जाएंगे भाई, लोगों की जरूरत है। आपको पड़ेगा तकरीबन ये 8,500 रुपए का है माल चमड़े के साथ, इधर माल चमड़ा। अच्छा अच्छा, 8,000 रुपए का तख्ता स्टैंड और माल चमड़ा होगा उसमें ना। अच्छा ये सब मिलाकर कितने का दे रहे हैं आप? 8,500 तक का। अगर कोई अलग से ही आपसे मंगवाना चाहता है तो आपके पास क्वांटिटी है ना अवेलेबल, क्योंकि ऑर्डर आएंगे इसके ज्यादा है, बड़ी जबरदस्त मिलेगा आपको, मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया, काफी इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि इस वीडियो के क्या रिस्पॉन्स रहे, क्या फीडबैक है, वो तो मुझे पता लग जाता है लोगों के कमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी फिर जल्दी निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।